हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत ज़्यादा ज़्यादा सबको मुबारक। दोस्तों, नया साल बहुत अच्छा से मनाइए, पिकनिक जाइए या तो फिर फैमिली का साथ में मंदिर जाइए या फिर घर में मनाइए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज नया साल है लेकिन हम लोग कहीं नहीं गए, हम लोग ना घर ही में बैठे थे, मतलब घर ही में नया साल मनाए, क्योंकि हस्बैंड का था ड्यूटी, मम्मी भी नहीं है तो हम लोग ना अकेले हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोग उनके साथ में। जब हम लोग बचपन में छोटे से थे ना, नया साल आने नहीं होता था। नया साल आया मतलब कल 1 तारीख है, मतलब आज 21 तारीख को हम लोग जाते थे, फ्रेंड्स सब मिल के ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे और दूसरा दिन रात भर उसमें पूरा नाम लिखते थे। दोस्तों, हम लोग कोई दोस्त लोगों का कोई शायरी लिखेंगे अपना दोस्त लोगों के लिए, और सुबह उठते साथ हम लोग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ जाते थे। उसके बाद में ना हम लोग जाते थे फ्रेंड्स लोगों को ग्रीटिंग कार्ड्स बांटने, क्योंकि स्कूल तो छुट्टी रहता था ना, और जो भी बच गए दूसरा दिन स्कूल जाते थे ना, इतना इतना ग्रीटिंग कार्ड्स लेके आते थे दोस्तों। और ना स्कूल में हम लोग जब जाते थे ना, तो स्कूल में जब मतलब खाली पीरियड होता था तो हम लोग क्या करते थे, कागज अपना स्कूल का पेपर कॉपी पेपर में ना बनाते थे ग्रीटिंग कार्ड्स, कार्ड काट के उसको पूरा दिल बना के उसमें सबका नाम लिख के ना हम लोग भेजते थे। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का बहुत अच्छा ग्रीटिंग कार्ड मिलता था। लेकिन अभी का जो ज़माना है, अभी का जो टाइम है, अभी का टाइम के बच्चे लोगों दोस्तों वैसे नहीं है। आजकल का टाइम में मोबाइल निकल गया है तो सब मोबाइल में बिजी रहते हैं, मतलब सब टाइम टाइम का ही है। अभी कुछ दिन में हम लोग उनके बच्चे लोगों भी वैसे हो जाएंगे। बचपना था तब बहुत अच्छा, बहुत मजा आता था बचपन में, अभी का टाइम ऐसा नहीं है। कल 31 था तो 31 भी मैंने मतलब उतना सेलिब्रेट नहीं किया। बचपन में जो मजा आता था आजकल नहीं आता है। हम लोग पिकनिक खेले बच्चा लोगों के साथ में और बस ऐसे ही घर में हम लोग मनाए। रात को भी मैं नहीं गई देखने के लिए, क्योंकि बाबू बहुत बदमाश करता है ना, मुझे आजकल बाबू के साथ में कहीं जाने का मन नहीं करता है। दोस्तों, आज भी हम लोग कहीं नहीं गए, बाबू अभी सोया है और खाना उना बना के हम लोग खा लिए खाना, ऐसे ही सिंपल खाना बनाई मैं। थोड़ा देर में मैं जाऊंगी, शाम हो गया है, मैंने आज का मतलब सुबह का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सुबह हस्बैंड जी का ड्यूटी था तो उनको खाना बनाते इधर उधर करते करते टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। आज न्यू ईयर है तो अभी हम लोग उनका यहाँ पर दुलदुली भी लगा हुआ है, आज से शुरू हुआ है झारसुगड़ा महोत्सव। आप लोग भी जाइए घूमिए और हम लोग भी जाएंगे घूमने के लिए, और थोड़ा देर में मैं जाऊँगी सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करने दोस्तों। सो दोस्तों, ये मेरा बागान है, ये राई साग मैंने कल या तो फिर कल नहीं परसों दिन तोड़ा था, और इधर मैं लगाई हूँ फूल गोभी, और उधर देखिए धनिया पत्ता पूरा निकल गया है। उसका बाद में दोस्तों बैगन भी हुआ है, ये देखिए बैगन सब पूरा फला हुआ है, देखिए कितना बड़ा बैगन सब, इसमें ना बहुत सारा बैगन फला है। और इधर तो सीम सब हुआ है। तो दोस्तों, उसका बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा सा रील्स बना लेते हैं क्योंकि बाबू सोया था। मैंने रील्स बनाया 2 गाना में, कि मुंडा मटुकली सजी गई गाना में, और मोए मोए गाना में, मुझे बहुत दिन से बनाने का मन कर रहा था दोस्तों। तो बाबू अभी उठ गया, थोड़ा देर सोया था, मुझे चांस मिला था, अभी उई कर रहा उठ के, मैं जाती हूँ उसको देखने के लिए। गंदी गंदी बच्चा, गंदी बच्चा, मोंकी टोपी लगा के गंदी बच्चा हो रहा है। बाबू एरोप्लेन चला बेटा, एरोप्लेन घुर घुर कर दो बेटा। तो मुझे लगा कि मेरा बाबू उड़ गया है, लेकिन बाबू थोड़ा देर उई किया, उसका बाद में ना दोस्तों सो गया। तो मैंने रील्स बनाया, जैसे कि बताया कि मैंने रील्स अकाउंट मतलब इंस्टा अकाउंट में डाला है, मेरा इंस्टा आईडी का नाम है रोशनी छेत्री, आप लोग जाके उसमें भी मुझे फॉलो कीजिएगा। तो देखिए मेरा बगान में कैसे बाहर का है, बाहर में कितना अच्छा फूल हुआ है, वाओ वाओ। उड़ गया दोस्तों, फिर से बाबू जा रही हूँ मैं। गाइस, अभी बाबू भी उठ गया, 5 बजे, बाबू चिल्ला रहा है क्योंकि बाबू कार्टून देख रहा था, तो मैंने मोबाइल छीन लिया, मतलब छीन लिया नहीं, ले लिया उसे। सो अभी बाबू इधर ना खेल रहा है उसका एरोप्लेन से, उसका पापा ले दिए थे उसका एरोप्लेन गांव से। ओके दोस्तों, बाबू खेल रहा है गाड़ी, बाबा बोल रहा है, रो रहा था, इसको मैं गाड़ी दे दी तो चुपचाप हो गया। अभी पापा इधर, पापा इधर ही सानो।
वो खेल रहा है अपना गाड़ी गाड़ी चलाओ गाड़ी चलाओ, खोई गाड़ी चला को खोई। देखते ऑयल लोड पे। बाबू के पापा आ गए हैं अभी। बाबू पूरा खुश हो गया उसके पापा आ गए हैं बोल के। हाँ देखिए ना कितना खुश होता है। ओहो नाचू 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 करता है पापा ड्यूटी आने से। पापा अगर ड्यूटी से आए तो पूरा खुश खुश होता है। रे बाबा ले पुंगलुआ। दिखा रहा है अपना पापा को एरोप्लेन। पापा एरोप्लेन बनाओ बोल रहा है। देखिए इधर मेरा बाबू का बदमाशी, पाउडर को छर दिया है और उसका बाद में वो खेल रहा है। वो देखिए बाबू अरे 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 का बदमाशी देख रहे हैं तो बाबा। अरे देखिए ची 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 गंदा बच्चा। देखिए दोस्तों देखिए इसका बदमाशी बे चाइनीज भाषा में बोलता है। क्या क्या बोलता है बोलता है। तो उसका दूसरा दिन मुझे सुबह से बहुत सारा काम करना पड़ा क्योंकि कपड़ा ना बहुत सारा हो गया था। क्रिसमस से जमा करके हम लोग रखे थे दोस्तों कपड़ा, तो मैं ना कपड़ा धो रही थी। फिर जो पानी ना मतलब बाद से आ रहा था, जो पानी धो के जो पानी रह रहा था उसको ना मैं बगान में डाल रही थी क्योंकि बाद में भी मेरे को बगान में डालना ही पड़ेगा। बाद में ना टाइम नहीं होता है, अगर एक बार बाबू सो के उठ गया दोस्तों तो उसका बाद में मुझे कुछ काम करने नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो पानी सब बचा हुआ है वेस्ट करने से अच्छा मैं वो सबको बगान में डाल देती हूँ। वैसे तो मेरे को जैसे भी करके तो पानी तो डालना है। कितना अच्छा हुआ है मेरा बगान देखिए दोस्तों। ये सब ना मतलब गोभी सब नया नया लगाई हूँ तो ये सब में डेली पानी देना पड़ता है दोस्तों। डेली पानी दोगे तब जाके ये सब होगा। इतना अच्छा मेरा बगान हुआ है। मैं तो उठते सात सुबह सबसे पहले मैं बगान देखती हूँ दरवाजा खोल के, उसके बाद में फिर बाकी सब काम करती हूँ। टमाटर देखिए ना कितना अच्छा मेरा फूल सब देखिए। वाह मस्त लग रहा है, गजब लग रहा है। अब सूख भी गया है, सब का सीजन चले गया ना। तो बगान देखिए, सीम देखिए मेरा ये सब बाहर में हुआ है सीम। गजब अक्षम हुआ है अक्षम, मस्त लग रहा है ना दोस्तों सीम। आप लोग ये देखिए बाहर का मेरा व्यूज, ये बाहर का व्यूज है। सुबह 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 फिर मैंने ना फिर बर्तन धोते रखी थी तो फिर वो सबको मैं सजा रही थी। किचन सब सारा गंदा पड़ा हुआ था मेरा क्योंकि उठ के मैं सबसे पहले ना मतलब कपड़ा ही धो रही थी। मुझे ना रात भर नींद नहीं आ रहा था कि इतना सारा कपड़ा धोना है मेरे को, मैं कपड़ा सब कैसे धोनी थी। तो मुझे बहुत टेंशन लग रहा था। तो ये बर्तन सब मैं ना कल ही धोती रखी थी तो मैंने बोला कि ये सबको सजा देती हूँ। और बर्तन सब पड़ा हुआ था मेरा, काम सब बहुत सारा था। मुझे ना टेंशन हो रहा था कि मैं कैसे करके मेरा काम सबको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ। रात को धो के सोऊंगी सोचती हूँ लेकिन क्या करूँ, बाबू का चलते कुछ करने भी नहीं होता है। बाबू तो बार बार बाथरूम दौड़ता है, किचन दौड़ता है, पूरा मेरे को परेशान करके रख देता है। फिर भी क्या करे, मदर हूँ मम्मी हूँ तो मुझे तो काम करना पड़ेगा ही। अब किचन भी इतना गंदा पड़ा हुआ है, अभी ये सब काम ख़त्म करके कपड़ा उपड़ा धो के फिर मुझे किचन को सफ़ा करना है। वैसे तो मेरे हस्बैंड का आज 2 बजे ड्यूटी है, जो मैं फटाफट काम करूँगी सोची हूँ। आज बहुत सारा काम है। फिर मैं ना कपड़ा हाथ से धो रही थी, फिर ना वॉशिंग मशीन में मैं ड्राई कर रही थी तब जल्दी जल्दी सूखेगा ना। बाबू का भी बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ था ना तो इनका भी बहुत सारा कपड़ा था, क्रिसमस से जमा करके रखी थी। आके मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था इसलिए मैं कपड़ा नहीं धो रही थी। फिर मैं आई बाहर कपड़ा सुखाने के लिए, धूप लगा था तो मतलब सुबह सुबह धूप लग ही रहा था। बहुत सारा कपड़ा पूरा तार भर दोस्तों, खाली मेरा ही कपड़ा था। सोच लीजिए इतना सारा कपड़ा धोई, 2 टब कपड़ा भिजाई थी मैं रात को। मुझे टेंशन लग रहा था कब मैं सुबह उठूंगी और कपड़ा धोऊंगी। फिर कल रात को बाबू 2 बजे से मेरे को परेशान किया, उसका कान दर्द दे रहा था दोस्तों। कान दर्द दे के उठ गया, रो रहा था। फिर उसने फिर हम लोग ने उसको कान में ड्रॉप दिया, ईयर ड्रॉप, उसका बाद में मेडिसिन दिया, मेडिसिन खाया, थोड़ा देर में बैठा बैठा, उसका बाद थोड़ा देर खेला, फिर मोबाइल में कार्टून देखा 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 देखा, फिर जाके सुबह 6 बजे सोया है। मेरा नींद भी पूरा नहीं हुआ था। फिर अब मेरे को तो काम करना है, बाद में पता है ये ड्यूटी चले जाएंगे तो और मुझे कुछ काम करने नहीं मिलेगा बोल के कपड़ा मेन था ना, क्योंकि कल हम लोग शादी में जा रहे हैं बामड़ा, वो सब कपड़ा सब गंदा है कैसे करके फिर पहनना। फिर हस्बैंड का ड्यूटी का ड्रेस भी बहुत सारा गंदा हो गया था। देखिए इतना सारा कपड़ा मैंने ना धो के
पूरा सुखाया, और भी था कपड़ा, और भी मैं मशीन में ड्राई कर रही थी कपड़ा। हाथ से मतलब अच्छा अच्छा कपड़ा सब हाथ से ही धोने से अच्छा है ना दोस्तों। फिर मैं ना कपड़ा सुखा के फिर गई अंदर और देख रही थी तार कहाँ पर खाली है कि मैं कपड़ा सुखाऊंगी बोल के तार देख रही थी। उधर तार सब खाली था। फिर मैं गई दोस्तों घर, मुझे ना जुकाम भी पकड़ा हुआ है, ठंडा थोड़ा मतलब कम हो गया है ठंडा, जो लेकिन मैं ठंडा में काम कर रही हूँ ना दोस्तों, इसलिए मुझे जुकाम पकड़ा हुआ है। सो गाइस, मेरा आज का इस ब्लॉग को इसी में एंड, आज मतलब इतने में एंड करते हैं। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नया साल मजा से मनाइए, मेरा चैनल को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।